नाम फ्रॉम टाइटेनियम ग्रुप। जैसे कि आपको पता है कि टाइटेनियम ग्रुप आपके लिए डिफरेंट रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लाता रहता है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है AWT फेज 2, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट फेज 2। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये रेजिडेंशियल और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिहाज से कैसे मुफीद हो सकता है। इसकी लोकेशन जो आती है वो डिफेंस रोड पर आती है। इसके अगर हम मेन बुलेवार्ड की तरफ जाते रहें तो ये जाती उमरा रोड की तरफ से ही निकलता है। 2 मिनट के फासले पे यहाँ अड्डा प्लॉट है और 2 से 3 मिनट के फासले पे रिंग रोड इंटरचेंज, मतलब लेक सिटी वाला इंटरचेंज आ जाता है, जिसकी वजह से आप DHA को बहुत ईजीली अप्रोच कर सकते हैं। इसके प्राइसेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो F ब्लॉक है उसके अंदर 10 मरला है, जिसकी प्राइस जो है 42 लाख से लेकर 60 लाख तक है। और जो इसका एक कनाल है जो F ब्लॉक के अंदर है, वो उसकी जो प्राइस आ जाती है आपकी, वो आ जाती है 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 10 तक। एवरेज प्लॉट की प्राइस जो, मतलब एवरेज प्लॉट जनरल लोकेशन पे अच्छी जगह आपको प्राइस मिल जाती है एक कनाल की, वो 70 to 75 लाख से 80 to 85 लाख के अराउंड है। ठीक है, ये जनरल प्लॉट की आपको एक अच्छी लोकेशन पे जो है वो प्राइस बता रही हूँ मैं। दूसरा, अब इसकी जो एक अच्छी बात है वो ये है कि ये फुली कंस्ट्रक्टेड है। आप इसके डेड एंड पे भी देखेंगे ना तो वहाँ पे भी फुल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, बाउंड्रीज तक पर घर बने हुए हैं। सी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आबादी है, कंस्ट्रक्टेड घर हैं। एफ ब्लॉक में बाउंड्रीज तक में आपको कंस्ट्रक्टेड घर बनेंगे। इसकी जो रोड्स हैं वो 30 फीट हैं, नैरो रोड्स हैं, लेकिन अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है और गैस की सहूलत अवेलेबल है। लेकिन हैरत कुन बात यह है कि यहाँ पर हर बहुत फुली कंस्ट्रक्टेड एरिया है। यहाँ पे से उसका कमर्शियल आ जाता है, वो भी फुली कंस्ट्रक्टेड है। सी ब्लॉक के आगे इसका जो कमर्शियल आ जाता है, सी ब्लॉक का जो पार्क है वो भी ऑपरेशनल है। वहाँ पर भी मस्जिद भी इसकी ऑलमोस्ट रेडी है। बाकी आप इसका जो ई ब्लॉक देखेंगे, जितने भी इसके ब्लॉक्स हैं ये फुली कंस्ट्रक्टेड है। काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, इसके अंदर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, गैस की सहूलत अवेलेबल है, बिजली पानी एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है। रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छी सोसाइटी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी बहुत अच्छी सोसाइटी। अगर आप इसकी बाउंड्री पे देखें ना तो तौहीद ब्लॉक नज़र आता है आपको, बहरिया टाउन नज़र आता है, और उसके साथ ही LGS भी बनने जा रहा है यहाँ पर, जिन्होंने बाउंड्री लगाई हुई है एफ ब्लॉक के कॉर्नर पे, कि यहाँ पे LGS बनेगा। तो दैट वुड बी द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द AWT फेज 2 एंड येस फॉर द बहरिया टाउन एज वेल। वो LGS इन दोनों सोसाइटीज़ के लिए, मतलब उन दोनों सोसाइटीज़ को ये कवर कर रहा है, और यहाँ पे एक बाउंड्री है जिसकी वजह से बहरिया टाउन और AWT कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो फ्यूचर में शायद ये दोनों कनेक्ट होते हुए, AWT और बहरिया टाउन कनेक्ट होते हुए जाती उमरा रोड की तरफ, रायवन रोड की तरफ निकलेंगे। तो ये बहुत अच्छा बूस्ट होगा AWT के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब ये LGS बन जाएगा तो ये बहुत अच्छा बूस्ट होगा इस सोसाइटी के लिए, और बाद में अगर ये कनेक्ट होता है बहरिया टाउन के साथ तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। ये बहुत ज़्यादा बूस्ट लाएगा प्राइजेस वगैरह में, और डिफरेंट इसका जो कमर्शियल अगर आप देखें ना तो इसका कमर्शियल भी डेवलप्ड है। शॉप्स बनी हुई हैं, ग्रॉसरी स्टोर, जो भी एक ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए चीज़ें और शॉप्स वगैरह अवेलेबल होती हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंट रखने के लिए ये एक अच्छी सोसाइटी है, क्योंकि यहाँ पर वो सब फैसिलिटीज़ हैं जो एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। दूसरा, फुली कंस्ट्रक्टेड है, काफ़ी आबादी है यहाँ पर, तो लोगों का जो रुझान है, ऊपर से प्राइजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 मरला आपको 40 to 42 लाख की ब्रैकेट से लेकर 60 लाख की ब्रैकेट में मिल जाता है। ठीक है, और इसी तरह एक कनाल का भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। तो अगर आपको इस सोसाइटी में या किसी और सोसाइटी के अंदर रेजिडेंशियल या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, बाय और सेल करना हो, आप मुझे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए सेम नंबर है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।